हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब इंडिया ट्रेड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं आयकर वालों के लिए कि इससे जो हमारा केंद्र सरकार ने एक खुलासा किया है कि केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 12 मार्च को जारी कर एक सर्कुलर में कहा है कि शेयर और म्यूचुअल फंड बेचने से मिले पूंजीगत लाभ के साथ कंपनियों के शेयरों को के लाभांश और बचत योजनाओं में जमा पर मिलने वाले ब्याज को भी विशेष फंड ट्रांसफर में शामिल किया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी निवेशक ने म्यूचुअल फंड लेकर बेच कर लाभ कमाया है तो फंड हाउस उसके खाते की जानकारी आयकर विभाग तक पहुँचाएगी। बैंक या डाकघर की बचत योजनाओं में जमा रकम पर मिले ब्याज की जानकारी भी विभाग को देंगे। तो हम ये देख रहे हैं, कर विशेषज्ञों कहना है कि सभी तरह की कमाई का ब्यौरा आयकर विभाग के पास भेजने से कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। इससे कई चाह कर भी कर सकेंगी चोरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर इससे रिटर्न भरने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि नोटबंदी के बाद रिटर्न भरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन उस अनुपात से कर संग्रह नहीं बढ़ा। इससे कर संग्रह भी बढ़ेगा। तो वर्तमान समय में विभाग सिर्फ बड़े लेन देन का पर नज़र रखता है। विभाग इसके तहत खाते में एक साल में 10 लाख से ज़्यादा की नकदी जमा करने, शेयर खरीदने, NCD या म्यूचुअल फंड में निवेश करने या शेयर बाय बैंक के सूचना जुटाता है। इसके अलावा नकद राशि से 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने और पूरे वित्त वर्ष में किसी भी मोड़ से 10 लाख का बिल भरने की जानकारी आयकर विभाग जुटाता है। आपकी हर कमाई की जानकारी अब सीधे म्यूचुअल फंड सीधे आयकर विभाग को ही पहुँचेगी। यानी आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार है जैसे आपका शेयर जमा करने हैं, ब्याज आदि से कोई कमाई की जानकारी आप छुपा नहीं सकते हैं। तो इससे सरकार को हर चीज़ की पूरी सीधी रिपोर्ट मिलती जाएगी और ये पता चलेगा कि आपके पास कितनी आमदनी है और आप कितना हर महीने अर्न करते हैं। तो और इससे आपको लोन लेने में हर चीज़ में आपको आगे सुविधा भी रहेगी। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा YouTube चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं हम।